गुड मॉर्निंग दोस्तों, वापस स्वागत है आपका हमारे चैनल विसन में। मैं हूं सरमे साइन, डिस्कस करेंगे आईएसओ के डेली करंट अफेयर्स प्रीलिम्स और मेन फोकस के 6 जुलाई 2018 के। तो आज पहला जो टॉपिक है वो ये है कि क्या हम लोग गैम्बलिंग जो है वो लीगलाइज कर देना चाहिए, मतलब क्या जुआ को लीगलाइज कर देना चाहिए, जुआ को एक मतलब लॉ बना देना चाहिए कि जुआ ऐसे ऐसे हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर यह है कि हम लोग को अलाउ कर देना गैम्बलाइजिंग, यहाँ पर ये आया। देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि एक लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो है हमारी, तो उसका जो अभी हेड जो वहाँ पर जज हैं बीएस चौहान, तो वो बोले हैं कि एक रिपोर्ट दी है वो गवर्नमेंट को कि हम लोग को जो गैम्बलिंग है उसको लीगलाइज कर देना चाहिए, लेकिन उसको रेगुलेट हमें लोगों को करना चाहिए, मतलब कितना दर में हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, वो रेगुलेशन हम लोग करेंगे। यहाँ पे ये है कि ये इम्पॉसिबल है कि हम लोग गैम्बलिंग रोक दें, ठीक है, जो जुआ चलता है ना उसको रोकना असंभव है यहाँ पे। और यहाँ पे एक लौता ऑप्शन हम लोग पास ये बच गया कि हम लोग उसको रेगुलेट करें। यहाँ पे ये भी है कि अभी एक कैशलेस गैम्बलिंग हम लोग को लाना चाहिए स्पोर्ट्स में, कि हम लोग पैसा मतलब जो होता है कैश के अलावा भी बहुत तरह का मतलब गैम्बलिंग है, या फिर आप जो कीजिए ट्रांजेक्शन जो है सब ऑनलाइन कर दीजिए, ताकि जो मतलब अगर एक तरह से छुपा ना रहे कुछ, सब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जितना भी होगा सब वैल्यू रहेगा, तो जो गवर्नमेंट है उसके सामने सब डाटा रहेगा। अब यहाँ पे ये कि इससे क्या होगा कि रेवेन्यू है वो बढ़ेगा। रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा कि ये जो पैसा आएगा इसको आप टैक्स कीजिए, ठीक है, क्योंकि देखिए अभी जो गैम्बलिंग होता है उसमें पैसे होता है टैक्सेबल नहीं होता, करोड़ों अमाउंट होता है, आदमी प्लेयर्स पे लगाते जीतते हारते, तो करोड़ों का जो कुछ भी टैक्स नहीं बनता वो आदमी लुके छुपे ले ही लेते हैं। तो अगर आप इसको अलाउ कर दीजिएगा तो क्या होगा, उसको हम लोग टैक्स कर पाएंगे। एक बार उसमें इनकम टैक्स या फिर सर्विस टैक्स जो लगता है तो वो जैसे ही लग जाएगा वहाँ पे, हम लोग उससे रेवेन्यू कलेक्ट कर पाएंगे, फिर वो जो रेवेन्यू है उसको पब्लिक वेलफेयर में हम लोग यूज़ कर पाएंगे। यहाँ पे ये भी कहा गया कि हम लोग को जो गैम्बलर्स है उसका जो मतलब ऑपरेटर होगा उसको हम लोग को उनका जितना भी आईडीज है, जैसे एक वो ट्रांजेक्शन है वो आपको गैम्बलिंग करना है, तो ये सपोज कीजिए आपको एक आईडी बनाना पड़ेगा उसके लिए, और उसको आपको आधार और अपना पैन से जोड़ना पड़ेगा, ताकि जो गवर्नमेंट है उन लोग का ट्रांजेक्शन पर एक तरफ से नज़र रख सके। यहाँ पर ये भी कहा गया कि जो फॉरन एक्सचेंज मैनेजमेंट जो होता है या फॉरन इन्वेस्टमेंट जो होता है तो यहाँ पर आ सकती है। अगर देखिएगा अब जैसे फॉरन में आप देखिएगा कि जो है बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ है जहाँ की जैसे यूएसए हो गया या फिर और भी बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ है जो कि खुद का जो गैम्बलिंग है उसका प्रोसीजर को वो लोग लीगल रखें, तो यहाँ पे अगर हम लोग भी लीगल कर देंगे तो क्या होगा, ऑनलाइन जो गेमिंग इंडस्ट्री है वहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हम लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश कर सकते हैं, और इससे क्या होगा, टूरिज्म और एम्प्लॉयमेंट दोनों ही बढ़ेंगे। अब यहाँ पे ये दिया हुआ है कि जो कमीशन है वो क्या बोल रहा है कि हम लोग यहाँ पे जो वल्नरेबल ग्रुप है उसको प्रोटेक्ट करने की बात करेंगे। यहाँ पे जो भी मतलब बीपीएल के लोग होंगे उनका जो आईडी होगा वो भी हम लोग सिंक में रखेंगे, ताकि देखें कि जो जनधन अकाउंट होल्डर्स जो भी हैं फिर जिनको सब्सिडी मिल रहा है वो लोग इस तरह का एक्सप्लॉयटेशन वाला काम ना करें। अब यहाँ पे कुछ बातें दी गई, जैसे यूरोप के बारे में बात किया गया, तो इसका सबसे बड़ा मार्केट है यूके में, ठीक है, स्पेन जर्मनी यहाँ सब बात किया गया। ये क्या है, एक लीगल रेगुलेटेड गैम्बलिंग है, यहाँ पे लैंड बेस्ड कैसीनोज भी होते हैं और ऑनलाइन बेटिंग भी होता है यहाँ पे, और बहुत सारी बातें की गई। हम लोग के काम का कुछ नहीं, यहाँ पे अमेरिका के बारे में ऐसे ही कुछ कहा गया कि अमेरिका में कनाडा और मेक्सिको जो वो लीगलाइज कर दिया गया हर फॉर्म ऑफ गैम्बलिंग, मतलब आप कुछ भी गैम्बल कर सकते हो। यहाँ पे अफ्रीका के बारे में भी बात किया गई, 30 कंट्रीज जो अफ्रीका में वो लोग लीगलाइज कर दिए खुद के गैम्बलिंग्स को। और एशिया के बारे में बात किया गया कि सिंगापुर में 2014 में जो गैम्बलिंग उसको आउटलॉ कर दिया गया था, लेकिन जापान जो है वो रिसेंटली देखिएगा आपकी लैंड बेस्ड जितने भी कैसीनोज हैं उसको स्टार्ट कर दिया गया। तो यहाँ पे कुछ बातें हैं जो आप लोगों के मतलब हल्का फुल्का नॉलेज के लिए ज़रूरी थी। अब आगे बढ़े जाते हैं, भितरकनिका नेशनल पार्क जो कि उड़ीसा में पड़ता है, तो वो अभी न्यूज़ में चल रहा है। यहाँ पे ये जो है प्रीलिम्स में आ सकते हैं एनवायरनमेंट बायोडाइवर्सिटी एनिमल कंजर्वेशन और मैपिंग के ऊपर। तो यहाँ पे आप लोग देखें जो भितरकनिका नेशनल पार्क है ये वन ऑफ द लार्जेस्ट हैबिटेट है इंडिजन एस्टुरीन क्रोकोडाइल्स का। अब देखिए एस्टुरीन क्रोकोडाइल्स होता क्या, तो वो इस तरह का क्रोकोडाइल होता है कि सॉल्ट वाटर में रहता है, तो ये क्रोकोडाइल्स में सबसे बड़ा जो मतलब एक हैबिटेट था तो वो यहीं पर रहता है। उसके अलावा यहाँ पे देखने को मिलता है कि एक प्रोमिनेंट हेरोनी क्या होता है, एक ऐसा ग्राउंड होता है जहाँ की माइग्रेटरी बर्ड्स आती है वहाँ पे ब्रीड करती है, तो इस स्टेट का सबसे बड़ा हेरोनी यही है। अब ये न्यूज़ में यहाँ पे अब सॉल्ट वाटर जो क्रोकोडाइल है उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। तो अब सॉल्ट वाटर जो क्रोकोडाइल है ये इसको एस्टुरियन क्रोकोडाइल भी कहा जाता है, आप लोग पढ़ चुके हैं। तो ये लार्जेस्ट रेप्टेरियन प्रेडेटर है वर्ल्ड में, मतलब क्या एक रेप्टाइल है जो कि हमला करके मतलब झपट्टा मार के आदमी को मारता है, तो उससे अगर लार्जेस्ट रेप्टेरियन है। और यहाँ पे ये भी देखने को मिलेगा इसका जैसा नाम है कि ये एक जो स्पीसीज है वो क्रोकोडाइल का है, और ये हर मतलब मरीन एनवायरनमेंट में रहता है ये, लेकिन मोस्टली इसको आप देखिए कि एक सलाइन ब्रैकिश मैंग्रोव स्वैम्प्स में रहता है। ऑफकोर्स देखिए स्वैम्प में रहने वाला चीज़ है ये सब, एस्टुरीज में रहता है, डेल्टास लगूंस लोअर स्टेजेस ऑफ रिवर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे और एक बहुत अच्छी बात है यहाँ पे ये दिया हुआ है
कि ये जो IUCN स्टेटस है इसका, ये लीस्ट कंसर्न में आता है। देखिए अभी लीस्ट कंसर्न का मतलब क्या होता है, एक ऐसा चीज़ जिसके ऊपर आपको कंसर्न देने का ज़रूरत नहीं है, मतलब उसमें ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, तो IUCN स्टेटस का बढ़िया है। अब HSP के बारे में बात करेंगे, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम के बारे में। तो यहाँ पे जो सक्सेस है PAT का सक्सेस है, यहाँ पे बात की है, हम लोग PAT भी देखेंगे, HSP भी देखते हैं आगे। चलिए यहाँ पे इसको डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो GS प्रीलिम्स और मेंस का ये जो पेपर आता है, मेंस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी और स्पेस मिशन के ऊपर ही आ सकता है। तो यहाँ पे बातें की जा रही, क्या की जा रही है कि जो हम लोग पिछले आर्टिकल में देख रहे थे कि इसरो जो है वो अपना ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम बनाने की बात कर रहा है, मतलब एक ऐसा एयरक्राफ्ट या ऐसा स्पेसशिप जहाँ की मतलब ह्यूमंस भी जा सके उसके अंदर, वहाँ पे सब सुविधा हो, उनके पास एक लॉन्ग टर्म रहने के लिए सब सुविधा हो, तो वो सब के ऊपर काम कर रहा है। अब इसरो के पास ऐसा ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल नहीं है हमारे पास, और ऐसा कुछ व्हीकल भी नहीं जो इस तरह का फ्लाइट ले सके, तो 2024 से पहले ये मिशन का होना बहुत मतलब मुश्किल बात है। और ये जो है वो GSLV-3 रॉकेट में होने वाला, जो कि भारत खुद ही मतलब बनाता है। तो ध्यान कि वो GSLV रॉकेट्स होते हैं और PSLV रॉकेट्स होते हैं, तो दोनों जो है ये भारत खुद ही बनाता है। अब इसरो जो है वो अपना पैट अवार्ड टेस्ट, मतलब PAT जो है वो स्टार्ट मतलब अभी सक्सीड कर गया। अब पैड अबाउट टेस्ट होता क्या है, तो यहाँ पे ये होता है कि एक जो क्रू है उसको बैठाया जाता है एक एस्केप सिस्टम में, ठीक है। देखिए होता ही है ना कि जब भी एक रॉकेट लेके जाती है तो ऐसा नहीं होता कि जो क्रू है वो हमेशा उस रॉकेट में रहती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक बार स्पेस में पहुँचने के बाद जो क्रू है उसको रॉकेट से अलग कर दिया जाता है, एक उन लोग को अलग मतलब रख दिया जाता है, रॉकेट जो है वो डिसमेंटल होकर वहीं स्पेस में एज गार्बेज रह जाता है। यहाँ पे बात है ये की जा रही है कि जो PAT है उसका सबसे बड़ा सक्सेस था, क्योंकि उसके बाद क्या हुआ ना कि जो सेफ्टी वो हम लोग इंश्योर कर पाएंगे, एक बार जो वो रॉकेट से जो क्रू है वो अलग हो जाए तो फिर उनको ज़्यादा रिस्क होता नहीं है। तो यहाँ पे जो PATS क्रू है वो एक स्मॉल स्टेप है कि किस तरह से हम लोग जो इंडियंस उसको स्पेस में भेज सकते हैं, और जो पैड अवार्ड टेस्ट है PAT ये एक सेफ रिकवरी दिखाता है कि किस तरह से जो मतलब भारत के जो लोग हैं वो वापस से मतलब आ सकें यहाँ पे, कि उनका जो रिकवरी है वापस सेफ हो। यहाँ पे सेफ्टी फर्स्ट में देखेंगे, जो पैड अबाउट टेस्ट है वो क्या है, एक रेस्क्यू सॉल्यूशन का एक सीरीज़ है, और यहाँ पे लोग देखते हैं कि किस तरह से क्रू एस्केप कर पाए सिस्टम से। यहाँ पे ये भी कि रशिया चाइना के पास क्या अपना एस्केप सिस्टम है अपने अपने प्लेस में। यहाँ पे थर्सडे को हुआ टेस्ट, और यहाँ पे ये हुआ कि एक कैप्सूल है जिसको एजेक्ट किया गया 2.7 किलोमीटर पहुँचने के बाद, ये जो है ये 12.6 टन का कैप्सूल था, और ये बे ऑफ बंगाल में गिरा, और 2.9 किलोमीटर दूर था ये श्रीहरिकोटा लॉन्च सेंटर से, जहाँ की बेसिकली ये लॉन्च किया गया था। तो उसके बाद हम देखेंगे कि जो लेप्रोसी अवेयरनेस है, सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में बात किया। तो लेप्रोसी क्या होता है, देखिए एक स्किन डिजीज़ होता है लेप्रोसी, जहाँ की मतलब एक स्किन के ऊपर इन्फेक्शन हो जाता है, वहाँ पे बात करेंगे आगे किस किस वजह से होता है इन्फेक्शन। और ये जो है इससे क्या होता है, नंबनेस होता है, और ये एक मतलब ऑफकोर्स एक क्योंकि ये एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको मतलब छोटा सी छूटने से आप उसको अपने बॉडी में ले लीजिएगा, एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एक रेगुलर कॉन्टैक्ट से वो होता है। अब GS प्रीलिम्स और मेंस पेपर 2 में हेल्थ एंड सोशल इशू में देखेंगे, तो इंडिया जो है उसको एक बहुत अच्छा मतलब आदरणीय एक पोजीशन मिला है, कहाँ पे WHO में आदरणीय पोजीशन, किस लिए, क्योंकि उसका हम लोग जो लेप्रोसी रेट है वो बढ़ रहा है, तो मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा ही लेप्रोसी में ग्रोथ दिखा रहे हैं, हम लोग के पास जो डिजीज है वो ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो आदरणीय इन सार्केस्टिकली हुई। यहाँ जो लिखा है ऑथर वो इससे लिखे कि बहुत मतलब गंदा यहाँ पे ये बात है कि जो लेप्रोसी है भारत में, जब पूरा दुनिया का जो डिजीज़ है वो कम हो रहा है तो भारत में ये चीज़ डिजीज़ है वो बढ़ रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा कि इंडिया में जो पहले जो केसेस थे 125,785 जो केसेस थे, वो अब बढ़ करके 127,326 जो है वो केसेस हो चुके हैं 2014 से 2015, मतलब एक साल में इतना ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है। लेप्रोसी क्या है, एक क्रोनिक इन्फेक्शियस डिजीज़ है, ये किससे होता है, तो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे से होता है, एक एसिड फास्ट रॉड, जब देखिए यहाँ पे एसिड फास्ट क्या होता है, तो एक ऐसा मतलब कोई भी बैक्टीरिया जो कि एक स्ट्रेंथ बना ले कि अगर उसके ऊपर सैनिटाइजेशन का पर्पज से कोई भी एसिड डालें तो वो जो उसको इफेक्ट नहीं पड़े। ये क्या है, ये जो बैक्टीरिया वो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है, ठीक है, रॉड शेप्ड बैसिलियस है। अब यहाँ पे और क्या बातें हैं, तो यहाँ पे ये बात है कि ये मेनली स्किन को इफेक्ट करता है, बहुत सारे पेरिफेरल नर्व्स इसको इफेक्ट करता है, जो मस्का होता है स्किन का अपर लेयर जहाँ से रेस्पिरेशन होता है, जहाँ से जो स्वेट है वो बाहर आता है, तो उसको इफेक्ट करता है, और आँखों के ऊपर इसका अच्छा खासा इफेक्ट होता है। लेप्रोसी जो है क्यूरेबल है यहाँ पे, ठीक है, और अगर अर्ली स्टेज में प्रिवेंशन होती है आराम से क्योर किया जा सकता है। जो लेप्रोसी है उसको क्योर करने के लिए आपको मल्टी ड्रग थेरेपी यूज़ करना पड़ेगा, ये एक अलग सेक्टर है, यहाँ पे नहीं जाते हैं। यहाँ पे लेप्रोसी जो है वो ड्रॉपलेट्स के थ्रू ट्रांसमिट होता है, मतलब हम छींकते
तो मेरे मुंह से जो ड्रॉपलेट्स निकलता है उसके थ्रू जो है लेप्रोसी ट्रांसमिट होता है। अब न्यूज़ में ये कि जो रिसेंटली हुआ सुप्रीम कोर्ट ये बोला है कि आप जो लेप्रोसी है उसको आप मतलब बताइए कि इसके अकॉर्डिंगली हर जगह आप इसको प्रचार कीजिए कि लेप्रोसी है वो क्यूरेबल है और आप लोगों को संभल के ना चाहिए सब चीज़ों से। और ये जो है ये कॉन्टेजिनियस नहीं है, मतलब हर जगह ये नहीं फैलता हुआ दिखाई देगा, ऐसा नहीं कि आप हमको और मेरा बगल आदमी जो बैठ रहा है उसको भी हो जा रहा, तो इस तरह का नहीं है। यहाँ पे ये है कि एससी जो ऑर्डर किया है ऑल इंडिया रेडियो को, दूरदर्शन को, और भी मतलब कि आप लोग क्या करें अपना जो पूरा भारत में अपने प्रोग्राम्स है वो दिखाएं कि किस तरह से अलग 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 रीजनल स्टेट्स में दिखाएं किस तरह से लेप्रोसी को मतलब ट्रीट किया सकता है। अब यहाँ पे ये दिया हुआ है कि जो लेप्रोसी है उस पर्सन को एम्पथी ऑफकोर्स चाहिए होता है, अथॉरिटीज़ उसको थोड़ा एम्पथी दे, थोड़ा सोसाइटी उसको एम्पथी दे और उसको अच्छी तरह से इक्वलिटी से ट्रीट करें तो वो सही होगा। यहाँ पे बोला है कि नेशनल लेप्रोसी एडुकेशन प्रोग्राम यहाँ पे चलाया जा रहा है, तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड हेल्थ स्कीम है। यहाँ पे ये होता है कि मिनिस्ट्री किसके द्वारा की जाती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा की जाती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफ कोर्स। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये है कि हम लोग को जो डिजीज़ एक्टिविटी है तो यहाँ पे उसको क्योर करना होगा। अब मेंस के फोकस का आज का जो पॉइंट है वो देखेंगे, तो इंटरनल सिक्योरिटी का देखेंगे कि टैकलिंग लैंचिंग। अब लैंचिंग हम लोग इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लैंचिंग क्या होता है, तो जब एक मॉब एक स्पेसिफिक पर्पस का वजह से किसी को मार दे तो उसको लैंचिंग बोलते हैं। मतलब एक मॉब जो कि एक स्पेशल पर्पस की वजह से कोई काम करता है वो होता है लैंचिंग। तो यहाँ पे देखिए कि 27 लोग हैं जो मारे जा चुके हैं 15 अलग अलग केसेस में, जहाँ की एक मॉब है जिसका कि एक स्पेसिफिक मतलब माइंडसेट बन चुका है, और बहुत सारे वर्चुअल र्यूमर्स मतलब वो र्यूमर्स जो कि वर्चुअली फैलते हैं, ऑफ कोर्स फेसबुक और व्हाट्सएप की बात की जा रही है, तो बहुत सारे वर्चुअल र्यूमर्स फैल गए थे चाइल्ड किडनैपर्स के बारे में। 9 स्टेट्स यहाँ पे नाम दिया गया असम से तमिलनाडु तक। तो एक साल में क्या हुआ कि यहाँ पे अब देखिएगा कि 27 लोगों को मार दिया गया, 15 मतलब केसेस हुए हैं। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो फाइनली अपना मुंह खोला है, यहाँ पे बोला है कि हम लोग जो है अब मतलब ये जो है लेंथ और ब्रेथ में हम लोग को देखना पड़ेगा कि लैंचिंग किस तरह से कर रहा है, और यहाँ पे हम लोग को लाइन ऑफ एक्शन जो है लोग वीक है लेकिन इसको सही करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये कि 200 मिलियन एक्टिव व्हाट्सएप यूज़र है भारत में, समझ रहे हो 200 मिलियन कितना बड़ा अमाउंट होता है, तो 200 मिलियन एक्टिव व्हाट्सएप यूज़र्स हमारे। और यहाँ पे ये कहा गया कि इस वजह से क्या कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि फेक न्यूज़ फैलाना मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आराम से ये हो जाता है। और देखिए कि इंडिया जो है फेसबुक ओन्ड व्हाट्सएप, मतलब व्हाट्सएप को फेसबुक ओन करता है, तो यहाँ पे ये कहा गया कि आप एक इमीडिएट एक्शन लीजिए किस तरह से आपको मतलब ये फॉल्स रूमर्स हैं उनको संभालना है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता ना कि हम लोग ब्लेम करें एक मैसेजिंग ऐप को, क्योंकि उसको पूरा वर्ल्ड में यूज़ किया था यार, पूरा वर्ल्ड में तो ऐसा कहीं कुछ नहीं होता और भारत में ऐसा हो रहा है, तो ये हम लोग जो ब्लेमिंग का जो पर्पस है मैसेजिंग ऐप के ऊपर चला रहे हैं वो गलत है, अनफॉर्चुनेट है, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो खुद को फेल कर रही है, जो हम लोग का जो कंट्री है उसको सही करने में। यहाँ पे ये है कि जो पॉलिटिकल मैसेजिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव अलर्ट्स जो होते हैं वो किस तरह से जो लैंचिंग उसको सही तरीके मतलब सही तरीका से रोकने में यहाँ पे काम आ सकते हैं। तो यहाँ पे ये बोला गया कि जो WhatsApp है वो अकेले लैचिंग नहीं रोक सकता। यहाँ पे ये है कि ये क्लियर नहीं है कि क्या क्या मेजर्स लेने चाहिए यहाँ पे और किस तरह से हम लोग को लिमिट करना चाहिए जो मैसेजेस है उसको रोकने से। अब यहाँ पे अगर देखिए कि हम लोग अगर लिमिट भी करते हैं, हम लोग चेक करते हैं हर मैसेज को, तो वो क्या होगा, एक लॉस ऑफ प्राइवेसी हो जाएगा, आपका प्राइवेसी का हनन होगा, और वो जो प्राइवेसी आज के समय बहुत एक रेयर बहुत चीज़ है कि प्राइवेसी बहुत कम ही लोगों को मिल पाता है। यहाँ पे ये भी है कि अगर चलो ठीक है हम लोग प्राइवेसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर करके हम लोग चेक भी करते हैं, तो यहाँ पे ये है कि र्यूमर जो है वो ज़रूरी नहीं कि फ़ोन से ही फैले। यार र्यूमर तो आज के समय से नहीं फैल रहा है, जब फोन नहीं हुआ करते तब भी क्या होता था, अफवाह फैलता था और अफवाह बहुत बुरी तरह से फैलता था। आज तो फोन है तो ऑफकोर्स एक्चुअली ये थोड़ा बात है कि कुछ आपका होता है ऐसा कि कुछ अफवाह लगता है तो आप उसको गूगल में सर्च कर सकते हो, आपको पता चल जाता है कि चलो यार अफवाह नहीं है। लेकिन उस समय में क्या होता था, जब ऐसा एक अफवाह फैल जाए जहाँ की लोगों को कुछ नॉलेज ना हो, आपको कोई अफवाह फैला दे, तब तो और ख़राब कंडीशन रहता था यहाँ पे। तो वो भी बोला जा रहा है कि अरे यार हम लोग अकेले जो है वो फोन को यहाँ पे हम लोग केस नहीं दे सकते, वहाँ पे उन लोगों के ऊपर हम लोग ये प्रेशर नहीं डाल सकते। यहाँ पे ये है कि जो र्यूमर है वो खुद मतलब जो मोबाइल फोन से यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया वही से यहाँ पे चीज़ें बताई गई है। और यहाँ पे ये जो है ये कंसर्न देखिए यहाँ पे क्या क्या है, तो कंसर्न ये है कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है और जो ग्राम पंचायत है वो लोग कभी ऐसा क्यों नहीं कहा गया कि आप लोग जाइए और आप लोग बात कीजिए अथॉरिटीज़ के साथ और आप लोग यहाँ पे बढ़ के आइए, आप लोग यहाँ पे काम कीजिए, मतलब जो ग्राउंड लेवल वहाँ पे काम नहीं हो रहा है। यहाँ पे ये भी है कि एक और की है, यहाँ पे हम लोग बात करें कि जो डिस्टेंस है पुलिस का वो ज़्यादा दूर नहीं रहता है, एक एवरेज यहाँ पे देखा जाए तो 10 किलोमीटर की दूरी पे हर यहाँ पे 2700 केस में था कि 10 किलोमीटर एक एवरेज की दूरी में था, पर फिर भी जो है वो मॉब पहले पहुँच जाता है, पुलिस बाद में पहुँचती है, पुलिस बाद में लोगों को बचा नहीं पाती है,
तो वो आप देखिएगा कि बहुत ये गलत बात है। अब कंक्लूजन में ये आ जाते हैं कि व्हाट्सएप जो वो हर कुछ नहीं कर सकते हैं, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो गवर्नमेंट को उठानी पड़ेगी और गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा कि किस तरह से उनको यहाँ पर चीज़ सही करना है, स्कोप जो है वो सही करना है। यहाँ पर ये है कि हम लोग को क्या है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि किस तरह से सोल्यूशन फाइंड करना है और उनको ये जल्दी फाइंड करना है क्योंकि यहाँ पर क्या है कि कंडीशन जो है और ख़राब होती जा रही है। यहाँ पर कनेक्टेड डॉट्स में देखेंगे आज का क्वेश्चन, मॉब वायलेंस एंड लाइचिंग आर इमर्जिंग एज अ सीरियस लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स इन इंडिया बाई गिविंग अस अ सूटेबल एग्जाम्पल एनालाइज द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सच वायलेंस द स्टेट लेजिटिमेसी टू गवर्न इज एट रिस्क विद इंक्रीज इन इंसिडेंट्स लाइक लाइचिंग एंड मॉब वायलेंस डिस्कस। और थर्ड क्वेश्चन ये है कि अ ड्राफ्ट एंटी लाइचिंग लॉज हैव बीन पोस्ट डिस्कस द नीड फॉर सच लॉ एंड एप्रिहेंशन एसोसिएटेड विद द प्रोविजंस ऑफ द ड्राफ्ट लॉ further also analyze how making law would not be enough and an effective enforcement machinery is needed for the hour। तो यहाँ पर आपको आंसर देने की कोशिश की, यहाँ पर एटलीस्ट सोचिएगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। इंटरनेशनल में देखिएगा करेंट इंडिया की फॉरन पॉलिसी के स्टेटस के बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा आपको इंडिया में एक आपको ऐसा लगे कि अभी अवस्था जो है ब्लास्ट के समय से सबसे ज़्यादा ख़राब अभी इंडिया की जो अवस्था है वो पूरी कंट्री में है। किस तरह से देखेंगे यहाँ पे ऐसा क्यों है, क्योंकि हम लोग को एक इक्विलिब्रियम बना के चलना पड़ेगा US, चाइना, रशिया और यूरोपियन यूनियन अलॉन्ग विद एशियन मेंबर्स। अब यहाँ पे ये है कि US, चाइना और रशिया जो है ये लोग बहुत ज़्यादा जियो स्ट्रैटेजिक ऐसा है कि ये लोगों के पास बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये लोग कंट्रीज जियो स्ट्रैटेजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है ये लोग। और यहाँ पे ये जो US है वो अभी भी सबसे बड़ा ऐसा कंट्री है जो कि बाहर की कंट्रीज़ को संभालता है, बाहर की कंट्रीज़ में अगर कोई दिक्कत होता है तो अभी तक उन लोगों को सपोर्ट दिए हुए, तो US ऐसा बहुत बड़ा कंट्री है। और यहाँ पर जब EU और एशियन के बारे में बात करेंगे तो ये दोनों ऐसी मतलब ग्रुप है, एशियन भी एक ग्रुप है, EU भी एक ग्रुप है, तो एक ऐसा दो ग्रुप है जो कि बहुत बड़ा इकोनॉमिक पावर हाउसेज है। अगर मतलब वहाँ से आप सोर्स डिराइव कीजिएगा, वहाँ पर अपना प्लग लगा दीजिएगा ना, तो आपको पावर की कभी कमी नहीं होगी। मतलब यहाँ पे मतलब है कि पैसे की कभी आपको कमी नहीं होगी। यहाँ पे क्या है कि इंडिया जो है वो हर किसी को चाहता है। अब यहाँ पे इंडिया जो है अपना बहुत समय से पुराना जो पोजीशन है वो लूज़ कर रहा है। यहाँ पे कैसे लूज़ कर रहा है वो देखेंगे, तो अभी जो इंडिया का नेबर है वो चाइना की तरफ बढ़ रहा है और इंडिया जो है वो एक तरह का मतलब हेल्पलेस लोग की तरह, एक अनफॉर्चुनेट इंसान की तरह बगल में खड़ा होकर बस देख रहा है। यहाँ पे ये कि जो बहुत सालों से नेपाल के ऊपर हम लोग का मोनोपोली चल रहा था, हम लोग उसके ऊपर दादागिरी दिखा रहे थे, तो वो जो है अब खत्म हो चुका है, क्योंकि जो नेपाल है वो चाइना की तरफ जा रहा है। अफगानिस्तान में देखिएगा कि वो लोग वेस्टर्न अलायंस के ऊपर जा रहे हैं, जो वो लोग क्या कर रहे हैं वेस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं और इंडिया वहाँ पर कोई मतलब कहीं पर सामने उठ के नहीं आता है। श्रीलंका और मालदीव्स दोनों ये भी चाइना सपोर्ट करें, चाइना की तरफ भाग रहे हैं। तो यहाँ पे आसपास की आपको कंट्री जो दिखाई देगा आपको यहाँ पे नहीं समझ में आएगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ा दिक्कत यहाँ पे हुआ क्या, सबसे बड़ा दिक्कत यहाँ पे जो राइटर उनके द्वारा ये कहना है कि जो नॉन अलाइन मूवमेंट को हम लोग जो डिसअपोर्ट कर दिए वहाँ पे हम लोग नहीं गए, सबसे बड़ा दिक्कत ये था कि जो PM मोदी हैं वो NAM को 2016 में स्किप कर दिए थे और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि ये जो है वो दिक्कत यहाँ पे उठना चालू हो गया। बैकग्राउंड देखें किस तरह से, तो इंडिया जो है वो एक नेचुरल लीडर बन के आया जब क्या हुआ कि बहुत सारे कंट्रीज आज़ाद हुए। तो 1940s में क्या हुआ, जब बहुत सारे इंपीरियलिज्म और नियोकोलिज्म का जो कंडीशन जो ख़राब था उसके बाद जब इंडिया से इंडिया मतलब इंडिया के साथ बाकी कंट्रीज जब उठ के आई तो इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री थी, तो इंडिया को इंडिया की तरफ सब एक लीडर की तरफ देखता था। अब यहाँ पे ये है कि जो इंडिया का जो पोजीशन है कि वो बहुत समय तक अच्छी तरह से मेंटेन किया हुआ था। जब सोवियत यूनियन कोलैप्स किया तब भी मतलब ये था कि हम लोग का जो कंडीशन है वो अच्छा था, हम लोग क्या कर रहे थे कि हम लोग सही से काम कर रहे थे। जब पूरा दुनिया ये सोच रहा था कि सब जो लोग हैं वो वेस्ट की तरफ घूमेंगे तब भी हम लोग सही से काम कर रहे थे। अब इंडिया के स्ट्रेंड रिलेशंस के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे ये है कि ओबामा के समय में भी हम लोग देखेंगे कि अच्छा नहीं था यहाँ पे कंडीशन, और ट्रंप का तो ये देखिएगा कि यहाँ भी अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है, क्योंकि कोई भी बड़ा आइडिया यहाँ पे उठ के नहीं आया जो कि इंडिया और US को सामने साथ में रख सके। इंडिया जो है वो फेल कर जाए किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप जो है उसको मतलब उसको यहाँ पे संभाले और उनका जो माइंड ऑफ थिंकिंग है, उनका जो कैलकुलेशन है वो समझ पाए। यहाँ पे देखिएगा कि PM मोदी का वो मिमिक्री कर चुके हैं मिस्टर ट्रंप, तो ये एक मतलब मैं ये देख चुका हूँ, ये एक YouTube में इसका वीडियो भी अवेलेबल है कि जो PM मोदी है उसका मिमिक्री किए हैं डोनाल्ड ट्रंप। यहाँ पे हुआ ये था कि जो मोदी जी हैं तो वो क्या कहते हैं, जब हार्ली डेविडसन जो है वो आया, जब अमेरिका से वो गया भारत में आया अपना प्लांट लगाने के लिए, तो उनके ऊपर ये कहा गया कि आप लोग को 100% अपना जो है वो टैक्स देना पड़ेगा, मतलब जितना का बाइक होगा उतना ही आपको टैक्स भी भरना पड़ेगा। मतलब जो लोग हैं वो लोग जिससे 3 लाख का बाइक है तो वो जो उसका प्राइस इफेक्टिव प्राइस है उसका प्राइस हो जाएगा 6 लाख रुपया। तो ये बहुत बड़ा टेंशन का बात था। अब यहाँ पे ये हुआ कि जब यहाँ पे जो ट्रंप जी हैं वो गए अमेरिका, मतलब अमेरिका की जो हार्ली डेविडसन कंपनी वहाँ पे गए, उनको बोले कि देखिए आप कोशिश कीजिए, तो सबको लग रहा था कि यार ट्रंप का मतलब ट्रंप जी कुछ करेंगे, तो ट्रंप जी आए भारत से बात किए, तो मोदी जी वहाँ पे बोले थे कि नहीं देखिए ये जो हमको ये आपको बताते हैं बहुत खुशी हो रहा है कि हम लोग बहुत सोचने के बाद जो आपका टैक्सेशन है उसको पहले 75% तक कमाए और अभी 50% कर दिए, मतलब अगर आपका 3 लाख का बाइक है तो आप लोग को उसको देना पड़ेगा 4.5 लाख रुपया, तो उतना में आपका काम हो जाएगा।
तो ये जो है तो मोदी जी मतलब उनका यही कहना था कि भाई यहाँ तो मेरा कोई प्रॉफिट नहीं है, ऊपर से मैं गया वहाँ पे जाकर के मैंने बात की तो आप मुझे ऐसे मतलब बात कर रहे हो, आप गजब करते हो, तो उसी का मिमिक्री थोड़ा हुआ था यहाँ पे, तो वो डोनाल्ड ट्रंप का मिमिक्री था। ऑफकोर्स यहाँ पे 2+2 डायलॉग जो होता है उसके ऊपर भी थोड़ा यहाँ पे इग्नोरेंस देखने को मिला। US जो है वो अभी भी बहुत बुरी तरह से, एक स्पीच था निकी हेली का तो वहाँ पे बहुत एग्रेसिव स्पीच आया था हम लोग का देखने का, तो ये सब बहुत सरप्राइज की बातें नहीं है। NDA जो गवर्नमेंट है वो ऑफकोर्स रशिया और चाइना के साथ भी अच्छे टाइज बनाने में यहाँ पे सामने उठ के नहीं आई है, क्योंकि रशिया जो है भारत के होने के बावजूद पाकिस्तान के साथ एक एंटी टेररिसाइज करने वाला DRUZBA 2017। और यहाँ पे देखिएगा कि हम लोग किस तरह से जो बेल्ट रोड फोरम जो है बीजिंग में 2017 में जो यहाँ पे ये किए थे बॉयकॉट किए थे, हम लोग डिस्कस किए थे इसको, यहाँ पे उसका जो गुस्सा है वो चाइना का यहाँ पे डोकलाम के स्टैंड ऑफ में दिखाया है। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो है उनको वुहान और सोची अलग अलग जाना पड़ा कि वो लोग आराम से मतलब प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन के साथ मिल सके, जबकि दोनों पास ही है। यहाँ पे सबसे खराब का कैजुअलिटी ये है कि इंडिया का जो नेबर है, यहाँ पे देखिएगा कि जब BJP गवर्नमेंट के आने के बाद देखिएगा कि पाकिस्तान का एक देखिएगा कि उसका जो रवैया है वो बहुत ख़राब हो चुका है। नेपाल की तरफ से ब्लॉकेट आपको देखने को मिलेगा क्योंकि हिंदू राष्ट्र वो लोग अपने आप को घोषित नहीं कर रहे थे। श्रीलंका आप देखिएगा कि वो लोग चाइनीज़ की तरफ जा रहे हैं। मालदीव्स देखिएगा कि वो भी नहीं साथ दे रहे हैं। यहाँ तक कि सेशल्स जो है वो भी बोल चुकी है यार आपको यहाँ पे अपना मिलिट्री बेस नहीं बनाने देंगे। तो ये जो कंडीशन है मतलब छोटा सा आइलैंड नेशन आपको बोल रहा है कि आपको मिलिट्री बेस नहीं बनाने देंगे, तो ये सब जो कंडीशन है बहुत खराब है। यहाँ पे यूरोप, अफ्रीका, लैटिन, साउथ अमेरिका जो है वो भी मैप से बहुत दूर चल गया है। यहाँ पे ये कि जो लिस्ट है उसको हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट है किस तरह से जो गवर्नमेंट है PM मोदी का वो लोग किस तरह से फेवर करता है, यहाँ पे PM मोदी जो है वो यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट सही कि यहाँ पे जो फॉरेन पॉलिसी है बहुत ऊपर गई है, जो कंट्री का स्टेचर है वो बहुत बड़ा है। यहाँ पे देखिए ये जो फॉरेन पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस है ये सब बहुत अच्छा तरह से गया है। जो PM का जो विजन है कि टर्न इंडिया टू अ लीडिंग पावर नेट प्रोवाइडर सिक्योरिटी प्रॉस्पेरिटी, तो उसके ऊपर कुछ यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए। यहाँ पे ये दिया हुआ है कि इंडिया जो है ये खुद को एक अच्छा पोटेंशियल दिखाता है आज के समय में, और जो इंडियन है वो लोग अच्छी तरह से काम करते हैं तो वो एक चीज़ यहाँ पे दिखाता है। दूसरा ये दिखाता है कि इंडिया जो है वो अपने जो फॉरेन पॉलिसीज है दो एरिया के ऊपर जो कल्चर और कमर्शियल डिप्लोमेसी तो दोनों के ऊपर बहुत अच्छे मतलब अच्छा से कंडीशन रखे हुए हैं। यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि जो पॉलिसी रिफॉर्म्स है और इमोशनल एंगेजमेंट्स है यहाँ पे ये देखने को मिलेगा कि आपको मतलब इंडिया का जो नेशंस का जो सॉफ्ट पावर है ठीक है उसको मल्टीप्लाई किया, उसको फोर्स ऐड किया। यहाँ पे ये दिया हुआ है कि हम लोग को ट्रांसनेशनल जो है हिंदू बुद्धिस्ट सिविलाइजेशनल लिंकेजेस यहाँ पे बात की गई है, तो इसको हम लोग सही तरीके से यूज़ करें तो इंडिया का जो नेबरहुड है उसको हम लोग अच्छे तरह से एक्सेस कर सकेंगे। और PM जो मोदी हैं वो इंडिया का जो इमेज है वो बहुत अच्छे तरह से बढ़ा है कि हम लोग मतलब बहुत पुराने कंडीशन में थे और अभी जो इमेजेस है वो बहुत अच्छी है। यहाँ पे ये भी कहा गया है कि जो इनवर्ड FDI फ्लो है यहाँ पे भारत में अगर देखने को मिलेगा तो वो लेवल जो अच्छा हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे ये देखने यहाँ बोलने को मिला है कि जो मिस्टर मोदी है उनका जो सक्सेस है डिप्लोमेसी में वो हो रहा है। अब जियोपॉलिटिक्स में बात ये की गई है कि जो मिस्टर मोदी है वो बहुत सारे डिसिसिव चॉइसेस यहाँ पे लेके आए। यहाँ पे ये हुआ है कि जो ये क्या किए हैं कि ये बहुत सारे ऐसे टबूज़ हैं भारत में जो कि बहुत समय से फॉलो नहीं की जा रहे थे तो उसको हटाए हैं और अब अच्छे तरह से दिमाग खोल के काम करते हैं। तो यहाँ पे अच्छे डिफेंस रिलेशन बनाने की ये बात कर रहे हैं US, जापान और इसराइल के साथ। यहाँ पे ये भी देखने को मिला है कि जो हम लोग जो एक नॉन अलायन का जो एक एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट था कि हम लोग नॉन अलाइंड रहेंगे, हम लोग सामने चलेंगे, अपना ध्यान देंगे, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे हटाया गया ठीक है। और यहाँ पे एक अच्छे मतलब सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंगली पार्टनरशिप बैठाने की बात की गई है तो वो एक अच्छा चीज़ है। यहाँ पे टबू जो हटाया गया और यहाँ पे इंडिया जो है वो इंडिया एक अपना पैर बढ़ा रहा है कि हम लोग थर्ड पावर सेंटर बन जाएंगे पूरा US और चाइना के बगल बगल में और हम लोग अच्छी तरह से काम करेंगे। तो मतलब हम लोग जो है कि जो यहाँ पे बोलना गया कि इंडिया जो है वो मोदी सरकार के अंदर US को चैलेंज किया है कि इंडिया का जो इंटरेस्ट को अगर आप हैम्पर कीजिएगा तो यहाँ पे इकोनॉमिक बैरियर और ट्रेड सैंक्शन जो ट्रेड बैरियर और इकोनॉमिक सैंक्शन आपके ऊपर लगेगा। तो ये सब चीज़ें भी हैं जो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे चैलेंजेस जो है तो चैलेंजेस क्या क्या है कि इंडिया जो बहुत एक गजब का सिचुएशन फेस कर रहा है डिप्लोमेसी सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस को मिला करके। यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे हो ये रहा है कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इकोनॉमिक डिफेंस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो सब बढ़ रही है। यहाँ पे क्वेश्चन हो गई है, अब तो बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन हो गई है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। और यहाँ पे एक ट्रेड डिमांड जो है वो अनरीजनेबल हो गए हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बातें हैं जो कि अब समझ में नहीं आ रही कि बातें कहाँ जा रही हैं। यहाँ पे इंडिया का जो आप देखिएगा रिलेशन यहाँ पे आप देखिएगा डिफेंस पार्टनर के अकॉर्डिंगली रशिया जो है वो बहुत ज़्यादा चाइना और पाकिस्तान के साथ मिल रहा है और जो रशिया जो पहले भारत का दोस्त हुआ करता था वो अभी समझ में नहीं आ रहा कि वो है कहाँ। इंडिया का जो नेबर्स है अगर आप मालदीव्स, नेपाल, श्रीलंका की तरफ जाइएगा तो वो अब नया
अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा है, चाइना की तरफ जा रहा है, इंडिया को स्किप करके। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा। तो पिक्चर जो है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और यहाँ पे भी समझना बहुत मुश्किल हो रहा है कि हो क्या रहा है, कन्फ्यूजन यही आते हैं कि फॉरन की जो पॉलिसी मेकिंग है। तो यहाँ पे देखिएगा कि जो चैलेंजेस है वो सब हमेशा से आ रहे हैं, तो पॉलिसी जो बन रही है उसकी जो चैलेंजेस है वो हमेशा से उठ के आ रही है। और यहाँ पे ये है कि हम लोग को अपना कैपेसिटी बढ़ाना पड़ेगा ताकि हम लोग अच्छे तरह से इंप्लीमेंटेशन कर सके प्रोजेक्ट का और उसको सही तरीके से आगे ले जा सके। क्वेश्चन है कि व्हाट इज योर असेसमेंट ऑफ द फॉरेन पॉलिसी बी परस्यूड बाय द इंडियन गवर्नमेंट, डू यू परसीव एनी आइडियोलॉजिकल शिफ्ट एग्जामिन। सेकंड ये कि डिस्कस द पैराडिग्म शिफ्ट इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी विद रेफरेंस टू द चेंजेस ब्रॉट बाय द न्यू गवर्नमेंट। तो इसका आपको आंसर देना है। आज का क्वेश्चन ये, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लेप्रोसी, इसका आपको आंसर दिएगा, आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। सेकंड ये कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग लेप्रोसी, तो फिर से लेप्रोसी के क्वेश्चन, आप इसका आंसर देख लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट भितरकनिका का नेशनल पार्क, हम लोग आज डिस्कस किया, आपको इसको आज का आंसर आना चाहिए। चलिए इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर फोर देख लेते हैं कि द सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल इज फाउंड अलॉन्ग द, तो कहाँ मिलता है ये बताइएगा। बहुत यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है, या बताने की कोशिश कर सकते हैं, गूगल में सर्च करना पड़ेगा उस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर फाइव ये है कि यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है कि भितरकनिका नेशनल पार्क के बारे में, तो आपको वो बताना है। अब ये भी जो आपको सर्च करना पड़ेगा क्योंकि ये जो है वो नहीं दिए हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे लगाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कौन सा आंसर है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो हो चुका खत्म। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कीजिए, वीडियो नहीं पसंद आया तो वीडियो डिसलाइक कर सकते, डिसलाइक क्यों किया कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।